रे 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 भैया मार दिया मार दिया मार दिया, अरे रे 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 इंडिया गेट पे हुआ मार। हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा पढ़ाई हो रहा है, पढ़ो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। तो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज जा रहे हैं दिल वालों के शहर दिल्ली के एक फेमस प्लेस इंडिया गेट, और यहाँ से पहले निकलेंगे मंडी हाउस, मंडी हाउस से जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और वहाँ से चलेंगे इंडिया गेट। चलते हैं फिलहाल ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और ये ब्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला, तो ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। अजी भैया तो पहुँच चुके हैं अभी न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन, और अभी हमारी मेट्रो आई नहीं है, और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन का ये और होर्डिंग है न्यू अशोक नगर, और इधर से आएगी हमारी मेट्रो और इधर को जाएगी। तो भैया हमारी मेट्रो आ चुकी है। जी हाँ भैया, तो अभी पहुँच चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और यहाँ से निकलते हैं, अभी आउट होंगे इस गेट नंबर 3 से, और यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो फिलहाल गेट नंबर 3 से आउट हुए, और यहाँ से ग्रीन वाली बस भी जाती है, लेकिन हम पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे भाई, ऑटो। और इधर देखिए भाई साहब, ये क्या है, क्या है, अरे वाह बहुत अच्छा चीज है भाई। ये ग्राउंड बना हुआ है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है क्या है भैया, लेकिन जो भी है खूबसूरत है काफी। चलते हैं फिलहाल, चलते हैं ऑटो पकड़ते हैं, चलते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट चलिएगा, इंडिया गेट कितना लीजिएगा, अकेले शेयरिंग पे कितना, अरे छोड़ दो यार कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार छोड़ दो, 40 रुपये 50 रुपये यार इतने में तो छोड़ दो यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं ये लोग, 50 रुपये मांग रहे हैं। तो भैया अभी एक अंकल मिले थे, अंकल से हमने बात किया, और अंकल बताएं कि इस वाले जो रोड है ना सीधे निकल जाइए भाई, स्टेशन से मेट्रो स्टेशन से उतरिए और सीधा यहाँ सामने में निकलेंगे गेट नंबर 3 से, ये फाउंटेन वाला एक जगह दिखेगा वहां से सीधा निकल जाइए, पास में ही पड़ता है। और ये लोग शेयरिंग में 50 रुपये ले रहे हैं, बताइए लूट रहे हैं यहाँ पर अननोन को। खैर कोई बात नहीं, वो अंकल को थैंक यू हमारे तरफ से, वो अंकल वीडियो में नहीं आना चाहते थे इस वजह से हम ब्लॉग में नहीं लिए उनको, बाकी थे बहुत अच्छे। और ये क्या, आदमी के साथ साथ बंदर भी घूमने आ रहे हैं इंडिया गेट भाई, भाई साहब ये सारा कुछ देख रहे हैं ना जो, ये यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सब इंडिया गेट का ही पार्ट है। अरे भाई साहब ये देख रहे हैं झुंड, ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है झुंड, ओ माय गॉड गाइस। तो अभी इसको रिवील नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद रिवील करेंगे। तो हम फिलहाल फाइनली पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, जी हाँ वही इंडिया गेट जहां पर सारे लोग फोटो अपडेट करते हैं दिल्ली आने के बाद, और ये जो देखते हैं ना शायद यहीं पर 3 Idiots की मूवी में जो आमिर खान अपने फ्रेंड को लेकर के स्कूटी पे जो लेकर के जाता है ना, शायद यहीं पे शूट हुआ था। इंडिया गेट, जी हाँ ये देखिए सामने में है हमारा इंडिया गेट जो काफी खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं ये बैरिकेड लगा रखा हुआ है, और बैरिकेड क्रॉस देखते हैं, बैरिकेड क्रॉस कर सकते हैं, बैरिकेड क्रॉस करके अंदर जाने दिया जाता है कि नहीं, और अगर जाने दिया जाएगा तो भैया हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करके देखिए। रे 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 भैया मार दिया मार दिया मार दिया, अरे रे 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 इंडिया गेट पे हुआ मार, भाई साहब इंडिया गेट पे हो गया मार, हम तो भैया डर ही गए इंडिया गेट पे हो गया मार। मजा इधर से नहीं है, मजा इधर से है भैया, देखिए ना अभी ये देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है इधर, वो दिख रहा है ना राष्ट्रपति भवन, यहीं पे रहती हैं अभी
द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है जो कि अभी वहीं पर रहती है। क्या खूबसूरत है मेरा भाई, एक तरफ इंडिया गेट और दूसरे तरफ राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा कि नहीं। आज देखिए ये यही जो है ना, यही है। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग इंडिया गेट की तरफ। स्टैचू, बल्कि ये स्टैचू नहीं है, ये वैसे है तो स्टैचू नहीं लेकिन दिख रहा है स्टैचू। ये देखिए बच्चे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। चलते हैं ठीक वहाँ, कहाँ वहाँ, इंडिया गेट के ठीक पास से हम आप लोगों को दिखाएंगे। भैया तो व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग है, और रोड क्रॉस मत कीजिएगा, रोड बहुत ज्यादा बिजी है भाई साहब, देख रहे हैं काफी बिजी रोड है। और इस बिजी रोड में नहीं क्रॉस करें, जब बना हुआ है वे तो फिर रोड क्रॉस नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जाने के लिए इधर से, आने के लिए इधर से। एक नई राजधानी का निर्माण इंडिया गेट के बारे में दिया गया है, ये सारा कुछ इंडिया गेट के बारे में दिया गया है, बताया गया है। इधर भी कर्तव्य पथ के बारे में बताया गया है। ये देखिए ये है राष्ट्रपति भवन, और इधर तो दिख रहा है इंडिया गेट, और उसके बाहर का ये स्ट्रक्चर सारा उसी के बारे में है। हैं, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा पढ़ाई हो रहा है, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, देश तरक्की कर रहा है। तो भैया हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के वो फेमस प्लेस इंडिया गेट।